ठीक है, पहले चीजों पर यहां पे देखते हैं कि आईसीटी की भूमिका, सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये आपका हमारा टॉपिक है आज का पार्ट टू में। और यही प्रश्न है आपको दीर्घ उत्तरी में लिखना है। मैंने शुरू से डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं आप सभी को, इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। मतलब कोई भी स्कीम, हर स्कीम क्या है, डिजिटलाइज है आज के डेट में देखा जाए तो वन बाई वन बहुत सारे यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी यहां पर नोटेड मिलेगा, बस आपको लिखना है, समझना है, है ना। तो आपको यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं आपके नोट्स में वैसे भी दी हुई हैं, उसी का मैं रेप्लिका यहाँ पे लेकर आया हूं, और इसमें ऐसा समझाने वाली कोई बात नहीं है। बट ये चीजें लिखनी है, चाहता तो मैं इसे पीडीएफ भी दे सकता था, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, क्योंकि दीर्घ उत्तरी में यही आएगा, ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन में यही आएगा। तो जब हम आईसीटी के बारे में देखते हैं, तो आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इसका यूज करना होता है। जैसे कि हमारे पास देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, या फिर कह दिया जाए प्राइमरी सेकेंडरी लीजिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, ठीक है, अलग 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 सेक्टर में इसे देखना होता है। हाँ, अलग अलग सेक्टर में क्या है, ये होती है बेसिकली आईसीटी का एप्लीकेशन। जैसे प्राइमरी सेक्टर कह देंगे तो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जैसा है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री है, टर्सरी सेक्टर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है। तो इन जनरली इसे देखा जाए, या फिर आप चाहें तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जितने भी आईसीटी के एप्लीकेशन हैं उसे भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, सबका बेस क्या है, डिजिटल इंडिया है। सबका बेस या आधार क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन है। डिजिटल इंडिया मिशन हालांकि 2015 में स्टार्ट किया गया था, उसके पहले भी भारत को डिजिटलाइज करने की बात कही जा रही थी, ठीक है, कि जिसमें कि 2.5 लाख पंचायतों को इंटरनेट के द्वारा जोड़ना, उसके बाद पंचायतों को जो है इंटरनेट से जोड़ने का प्रारंभ किया गया। उसके बाद देर सवेर हम देखते हैं कि सरकारें बदलती गई, अपनी अपनी सरकारों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग आता गया, क्योंकि ये तो वैसे ही रिवोल्यूशनाइज हो गई ना, जब सैटेलाइट अच्छे छोड़े जाएंगे, या तो हम टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादा ग्रो करेंगे, चाहे हम स्टार्टिंग में अचानक से 4G 5G तो आए नहीं, शुरुआत तो 1G से किया गया होगा, तो 4G 5G के समय में टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही बदल गई, और 1G 2G के समय में वो स्ट्रगलिंग वाली टेक्नोलॉजी रही होगी। किस सेक्टर में, इस आईसीटी के सेक्टर में। और यदि मैं बात करूं शुरुआती समय में सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट भी तो हमारे पास नहीं थे भाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं थे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट तब अच्छा बना जब 2001 में हम देखे थे कि GSLV आना चालू हुआ, उसके बाद जी सेट वाले सीरीज वाले क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर क्या एस्टैब्लिश हुआ, उसी से तो ही कम्युनिकेशन होना है, क्योंकि वो ज्यादा हाइट पर छोड़े जाएंगे, और ज्यादा हाइट के लिए हमारे पास लॉन्चर नहीं था शुरुआत में, आपने पढ़ रखा है। तो स्टार्टिंग का तो स्ट्रगलिंग पीरियड है। भारत में आईटी के जनक किनको कहा जाता बता सकते हैं, भारत में आईटी या आईसीटी के जनक किनको कहा जाता है, और कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आईटी का प्रवेश हुआ भारत में, राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में। आईटी के फादर कौन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भारत में जनक कौन है, कोशिश करिए, एक आध मिस्टेक होगा चलेगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी सोच के देखिए क्या है, TCS क्या है जानते हैं आप लोग, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत की सबसे जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। तो उसे TCS के पहले चेयरमैन थे फकीर चंद कोहली, FC कोहली को कहा जाता है भारत में आईटी के जनक कहा जाता है, क्योंकि TCS के फर्स्ट चेयरमैन थे वो, ठीक है। बाद में और भी बहुत सारे लोग आते चले गए, उस सीक्वेंस को, उस परंपरा को आगे बढ़ाए, अजीम प्रेम जी साहब आए, नंदन नीलेकणी, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति आए, है ना। और ये भारत में दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर, भारत की सॉफ्टवेयर भी कही जाती है, भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत, देखिए इंफोसिस का सॉफ्टवेयर और आपका TCS का सॉफ्टवेयर,
इसी TCS के सॉफ्टवेयर में ही तो आप CGPSC या फिर बैंकिंग की एग्जाम देते हैं, है ना, जो IBPS कंडक्ट करती है, या जो ये जो आपका CGPSC में जिसने ऑनलाइन किया हुआ था बीच में एक दो एग्जाम, वो सब TCS के सॉफ्टवेयर है। इंफोसिस का सॉफ्टवेयर, GST का सॉफ्टवेयर इंफोसिस ने बनाया है ना। तो आपको बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर मामले में भी भारत बहुत आगे है, ठीक है, क्योंकि एक एक वर्ड है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे इस चीज को आप समझेंगे कि डिक्शनरी में एक वर्ड इंट्रोड्यूस्ड हुआ बेंगलोर सिटी के नाम से। हुआ ये, आप लोग ब्रेन ड्रेन की बातें अक्सर सुनते होंगे कि पहले हमारे IITians पास आउट होते थे और बहुत भारी भरकम पैकेज में विदेश चले जाते थे, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली और वहां पे वो सब चीजें चले जाते थे। और वहां पे देखो एक वर्ड यूज सुनना, इंक्यूबेशन समझते हैं, जैसे अंडे को मुर्गी क्या कर देती है, सेती है, उसे इंक्यूबेट करना बोलते हैं, इंक्यूबेशन। उसके बाद उसमें क्या है, चूजा निकलेगा, जब वो अंदर का एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो उसका चूजा निकलेगा और फिर फाइनली एक न्यू नई लाइफ का क्रिएशन हो जाता है। तो वैसे ही सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन वैली, एक्चुअल सिलिकॉन वैली क्या है, कैलिफोर्निया USA की। आपके दिमाग में कोई भी थॉट आया, कोई भी विचार आया, उस थॉट को इंक्यूबेट करके तुरंत बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी हो जाती है। कैसे, जैसे आपने सोचा कि टेस्टी फूड हर किसी को पसंद है, किसी को चाइनीज, किसी को साउथ इंडियन, किसी को नॉनवेज, या कोई अलग अलग प्रकार, किसी को वेज, अलग अलग प्रकार के फूड सबको पसंद है, टेस्टी फूड। लेकिन टेस्टी फूड मिलता यहां है, एक 10 किलोमीटर है, एक 20 किलोमीटर, एक 5 किलोमीटर, एक 4 किलोमीटर में है, और एक दिन खा सकते हो, कभी उधर जाना हुआ तो खाना खा सकते हो आप, लेकिन रेगुलरली नहीं खा सकते आप, क्योंकि वो दूर है। किसी जगह का छोले भटूरे बहुत पसंद है, किसी का डोसा पसंद है, आप रेगुलरली आपको उसको खाने की चाह होती है, लेकिन दूर है भाई। ये चीजें आप किसी के दिमाग में आया, ये सिलिकॉन वैली और वही चीजें बैंगलोर में भी होते, वही बता रहा हूं मैं, फिर चीजों को हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मैं उस व्यक्ति को जिसको टेस्टी फूड पसंद है उस तक मैं क्या करूंगा, टेस्टी फूड क्यों ना पहुंचाने का कुछ जरिया सोचूं, कुछ माध्यम सोचूं, और मैं उस रेस्टोरेंट से भी कांटेक्ट कर लूं कि आपको टेस्टी फूड बनाते रहना है और वही चीजें मैं आपको मैं सेल करवा दूंगा। आप बीच वाले हो ना, आप खा रहे हो ना आप खाना बना रहे हो, आपने बस सोचा इसकी जरूरत है और उसको भी जरूरत है, उसको बेचना है, इसको खरीदना है, दोनों को सोच लिए और आपने स्विगी और जोमैटो जैसी चीजें क्या है, क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट किए, कि वहां से एक चैनल बनाए, एक ऐप बनाया ना आपने, किया क्या, एक एप्लीकेशन ही तो बनाए हो। एप्लीकेशन में आपने क्या किया, सभी रेस्टोरेंट को जो है जोड़ दिया, और उसका एक्सेस जिसने भी उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ करेगा, और सीधा सीधा क्या है, ऐप से जाते हैं हम, सीधा क्या करते हैं, उसे लाइक का ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, आप भी टेंशन फ्री, 2 मिनट में ऑर्डर कर लिए, अब आप अपने काम में मगन, और वो आएगा, उसको भी काम मिल गया भाई, उसको भी काम मिल गया, अच्छा ऑर्डर आ गया है, पैसे आ गए हैं, आने वाले हैं, तो कुल मिला के वहां से वो फूड रेडी करके आप तक पहुंचा दिया, वो बेच भी लिया, आपने खरीद भी लिया, फायदा किसका हुआ, आपका भी हुआ, उसका भी हुआ, और वो तो खाने वाला है। तो IT कितना रिवोल्यूशनाइज हो सकता है, बात समझ में आ रही है, केवल थॉट्स। तो थॉट को इंक्यूबेट करके इस प्रकार डिफरेंट टाइप के पूरे एप्स, मिलियंस ऑफ एप्स हो गए आजकल, लाखों की संख्या में एप्स हो गए, एप्लीकेशन। तो इसी की मदद से ये IT सर्विस सेक्टर को यही खास बात है कि वहां पे इनविजिबल जगहों पे या इनविजिबल चीजों को वहां पे क्रिएट करेगा और बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ा कर देगा। ये स्विगी जोमैटो तो एक छोटा सा एग्जांपल है। इन जनरली आप ई कॉमर्स की कंपनियां देख रहे हैं, आप सभी हम लोग खरीदते हैं ई कॉमर्स की शॉप से, वहां पे अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर दूसरे साइट से। तो ये सब चीजें क्यों बदल रही हैं, बिकॉज ऑफ ICT, बिकॉज ऑफ IT। अगर IT नहीं होता तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं होती। रिमोट सेंसिंग भी वैसा ही है। भारत सरकार अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से पुराने समय में डेटा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, खाता बही के फॉर्म में, या फिर फाइल के फॉर्म में, या अलग अलग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कलेक्ट करती थी, है ना, और उसके बाद क्या है, प्रोसेस जो है वो फाइल दर फाइल आगे बढ़ती थी, उसके बाद प्लानिंग होती थी। उस समय में
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग हुआ करती थी, बाद में अभी बदल गई नीति आयोग, तो उस समय प्लानिंग का तरीका अलग हुआ करता था। आजकल क्या रिमोट सेंसिंग का डेटा है, तुरंत फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाना बहुत आसान काम हो गया भाई। जूम इन करो सीधा रिसोर्स सेट टू ए नाम से, उससे क्या बना है आपका ISFR रिपोर्ट बना है। तो जिस फॉरेस्ट रिसोर्स का मैपिंग, उसका ओवरऑल कितना डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट बढ़ा है, कितना घटा है, कितना आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, कितना आपका फॉरेस्ट कवर घटा है, सब चीजें आप आसानी से जान सकते हैं। मिनरल्स का हो, वाटर का हो, है ना, आपकी किसी प्रकार का डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सब जगह काम आ रहा है। तो ICT में वो क्षमता है जो किसी भी चीज को रेवोल्यूशनाइज तरीके से बदल सकती है, चेंज कर सकती है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन से। तो डिजिटल इंडिया मिशन एक्चुअल में देखा जाए बहुत सारी चीजों से कनेक्ट हो गया है। डिजिटल इंडिया मिशन मतलब भारत को डिजिटलाइज करना, सभी सेक्टर, आप किसी भी जिले में जाएं, किसी भी राज्य में जाएं, किसी भी आप विभाग में जाएं, किसी मिनिस्ट्री में जाएं, या कोई भी पर्टिकुलर साइट में जाएं, गवर्नमेंट साइट की बात कर रहा हूं फिलहाल, प्राइवेट साइट तो है ही, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप जाते हैं, क्या करते हैं, भारत सरकार की साइट में जाएंगे india.gov.in, वहां पे सभी राज्यों के भी क्या है साइट्स मिलेंगे, वहां क्लिक करेंगे cggov.in आ जाएगा, cggov जाएंगे तो यहाँ पे जितने जिले हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट का पूरा आपका लिंक मिल जाएगा। उस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उसके बाद उनके ब्लॉक में रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, उसे पंचायत से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब बॉटम से लेके टॉप तक सब चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं, किसके थ्रू, ICT के थ्रू, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया मिशन ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया है, और डिजिटल इंडिया का प्रवेश भारत में, अगर कहें है ना, भारत में IT का प्रवेश तो 1985 के समय में ही राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में हो गया था। कंप्यूटर का जो है प्रवेश है, उसका विकास भी वहीं से प्रारंभ हुआ भारत में। और इस प्रकार देखते हैं आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो बहुत बड़ी मतलब एक क्रांति है, क्योंकि 5G हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे चीजों को समझते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, कुछ नाम सैंपल दिए, हो सकता है आप कुछ और भी यहाँ पे ले सकते हैं आंसर। कुछ ऐसे मिशंस या कुछ ऐसे स्कीम्स को, चाहे राज्य सरकार की हो, जैसे द फिनोमिनल स्कीम, राज्य सरकार की सबसे अच्छी स्कीम क्या है छत्तीसगढ़ सरकार की, बताइए, दो राज्य सरकार की सबसे अच्छी स्कीम और दो केंद्र सरकार की सबसे अच्छी स्कीम, राज्य सरकार की जल्दी बताइए। हाँ, लोक स्वराज योजना, योजना ठीक है, और अच्छा भूमिहीन खेती कृषि मजदूर योजना है ना, गोधन न्याय योजना, फिनोमिनल स्कीम ये भी है, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहक हो, चाहे मनरेगा के काम, मनरेगा वेजेस करने वाले मजदूर हो या काम करने वाले हो, या फिर कह दिया जाए कि किसी भी प्रकार के जो सरकारी स्कीम्स का जो फायदा उठाते हैं उन तक जो पैसा पहुंचता था पहले, वो एक चैनल के थ्रू पहुंचता था, आजकल क्या है डायरेक्टली उनके अकाउंट में पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जैम ट्रिनिटी कैसे नंदन नीलकणी साहब ने ये आधार और जैम ट्रिनिटी को जोड़ दिया, और सब चीजें हम बिना आधार के, बिना जैम ट्रिनिटी के हम चीजों को कल्पना भी नहीं कर सकते, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, तो ये राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना बहुत अच्छी स्कीम है। या फिर आपको जो है एक अच्छी स्कीम क्या है कि उस रूरल बेल्ट तक पहुंचने के लिए, उनको जो उनका उस वीकर सेक्शन तक, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग तक पहुंचने के लिए जो पैसा पहले जाता था, जिस चैनल के थ्रू जाता था, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उन तक हम चीजों को पहुंचा रहे हैं, कोई भी सरकार, राज्य सरकार की स्कीम हो। ये केंद्र सरकार भी पहुंचाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के थ्रू पैसा पहुंचता है उनके अकाउंट में, और वहां पे देखते हैं केंद्र सरकार के थ्रू किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू पहुंचता है पैसा आप तक, ठीक है, जिनके पास वो कृषि भूमि है। हाँ चलो, केंद्र सरकार की दो अच्छी स्कीम बताइए, ICT से रिलेटेड बोलना, ठीक है, दो अच्छी स्कीम बताइए। नेशनल लाइवलीहुड मिशन, अच्छा राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है, और कुछ बेहतर, मनरेगा है, मनरेगा बहुत फिनोमिनल स्कीम है, कोविड के दौर में बैकबोन बना था भारत सरकार के लिए। बैकबोन इसलिए कहा जा रहेगा
कि जब वो बैकबोन नहीं होता तो सब चीजें ढह जाती, गिर जाती, क्योंकि मनरेगा ने उस समय जब लॉकडाउन का फेज था तब तो सब घर में बंद थे, लॉकडाउन के बाद या सेकेंड लॉकडाउन के पहले या सेकेंड लॉकडाउन के बाद, कुल मिला के लॉकडाउन के पहले और बाद, तो ओवरऑल इस समय में देखें अर्बन एरिया रूरल एरिया में सब जगह अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत चरम पर थी, ठीक है, सब चीजें थम सी गई थी पूरी तरह से, तो उन तक पैसा तो पहुंचाना था, कुछ लोग क्या आज कमाते आज ही खा लेते, कल ही उनके पास नहीं रहता या एक या दो दिन के लिए रहता है, उन तक क्या है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो चीजें राहत पहुंचाई गई, एक तो क्या है आपका जो आपका फूड ग्रेन आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, खाद्यान्न वितरण था जिसमें चावल और वो सब चीजें देते हैं, है ना, लेकिन दूसरा चीज ये है वो पीडीएस के थ्रू देते हैं उसे, है ना, एक दूसरा चीज ये है कि उस दौरान क्या उनको रोजगार भी चाहिए था, तो रोजगार दिया, रोजगार के कारण जो है उन्होंने पैसा कमाया और उसको क्या उनको तुरंत भुगतान किए, एक चीज ये था। एक नाम सुने हो लाइक अटल आवास योजना, पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी, अलग अलग प्रधानमंत्री आते गए अपने अपने हिसाब से उसे चीज बदलते चले गए, ठीक है, कुल मिला के वीकर सेक्शन तक जिनका क्या है जो बीपीएल कार्ड होल्डर होंगे या जिनका क्या है आय कम होगी तो उनको क्या करेंगे कि यह अटल आवास योजना के तहत उनको क्या है आवास प्रदान करेंगे। अब इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का रोल ये है भाई कि हर किसी को ये अटल आवास योजना नहीं दी जा सकती, या आवास योजना हर किसी को इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो एक टारगेट जोन में पाए जाने वाले एक वीकर सेक्शन को ही दिया जाएगा, और वो जो वीकर सेक्शन है वो उसकी पहचान कैसे करेंगे। मान लो आप किसी विलेज एरिया में हैं, अर्बन एरिया रूरल एरिया कहीं पर भी हैं, और आप थोड़ा सा क्या प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और वो तो दो दो ढाई ढाई लाख रुपया, डेढ़ लाख ढाई लाख रुपया समथिंग अमाउंट आता है, आप प्रभावशाली हैं, फर्जी तरीके से दो चार नाम अपने हिसाब अपना नाम नोट कर सकते हैं उसमें, लेकिन फिर भी आपको क्यों नहीं मिल पाता, उसका रीजन है टेक्नोलॉजी, उसका रीजन है टेक्नोलॉजी, अभी जस्ट थोड़ी देर में बता दूंगा, जीआईएस टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, ठीक है, जीआईएस टेक्नोलॉजी मतलब ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आपका घर जिस जगह होगा, आपका ओवरऑल जो लैंड जिस जगह बताएंगे वहां पे सैटेलाइट से फोकस कर लेते हैं, और उसी जगह पे ही क्या है आपका वो घर होगा, ठीक है, और उसी जगह पे बनाया जाएगा, चीजों को मैं भी आगे बता दूंगा बेहतर तरीके से, अभी थोड़ा सुन लेते हैं यहां से। तो आईसीटी का प्रयोग, जैसे कि आप डिफरेंट टाइप के स्कीम देख रहे हैं, मेक इन इंडिया स्कीम देख रहे हैं, आपका मुद्रा योजना देख रहे हैं, इवन आप देखते हैं कि लाइक अलग अलग स्कीम है, आधार स्कीम है, ये बैंकिंग सेक्टर में यूज की जा रही है, रुपे, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन है, अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स हैं, है ना, जनधन योजना है, और सबसे बड़ी बात अभी कोविड पीरियड में वैक्सीनेशन का जो बहुत बड़ा एक विशाल काम था कि हमने सबने cowin.gov.in में क्या किया, रजिस्टर हुआ हमारा सबका नाम, और वो जो रजिस्टर करने के बाद वो किससे कनेक्ट हुआ, आधार से कनेक्ट हुआ, आधार से कनेक्ट हुआ, आपका बायोमेट्रिक लिया होगा या आधार नंबर कर लिया गया। अब क्या है, एक डोज जब आपको मिल गया, पहली बात तो क्या है उसे ऑर्गेनाइज तरीके से जिले वाइज राज्य वाइज सब चीजें करना जरूरी था, वैक्सीनेशन नहीं करते तो मॉर्टिलिटी रेट बढ़ते ही जाती, इन्फेक्शन बढ़ते ही जाता, तो हमको कहीं ना कहीं वहां पे एक चीज को ध्यान रखना था कि 100% वैक्सीनेशन हो, और हम सब ऑलरेडी वैक्सीनेट भी है, लेकिन हुआ क्या, पहला डोज लेने के बाद कुछ लोग चीजों को हल्के में भी लेने लगे, सेकेंड डोज लगाएं या ना लगाएं, अगर लगाएं तो पहला कहां लगाए थे, वहां लगाए थे या दूसरे राज्य में लगाए थे या किसी अपने विलेज एरिया में लगाए थे, तो ये भी बड़ा एक चैलेंज रहा। तो अगली बार जिस भी सेंटर में आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड को दिखा देंगे, तो हाँ अच्छा कोविन में आपका नाम रजिस्टर्ड है, आपने मार्च 2000 मान लो 21 में लगाया होगा तो कोई बात नहीं, अब चलो एक साल बाद या 6-8 महीने के बाद आप 2022 में इस मंथ पे लगा सकते हो, क्योंकि आप वहां लगाए थे, इस डेट को लगाए थे, इतने बजे लगाए थे, सब चीजें डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। अब आप सेकेंड डोज आसानी से लगा लिए। ऐसा करते करते ये मजाक थोड़े है कि 100 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों का डेटा को एक जगह ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, कि क्यों पॉसिबल रहा, बिकॉज ऑफ cowin.gov.in। अब मैं वन बाय वन एक एक चीजों को बताते चलूंगा अलग अलग स्कीम, लेकिन उससे पहले मैं डिजिटल इंडिया मिशन और उसका एक ट्रिक बता देता हूं। डिजिटल इंडिया मिशन
केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे प्रारंभ कब किया गया था, 2005 में प्रारंभ किया गया था, सॉरी 2015 में, 2015 में प्रारंभ किया गया था, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, जिसके ऑब्जेक्टिव थे DIG, डिजिटल एम्पावरमेंट, डी का मतलब था डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है, ये विजन है भाई, है ना, ये तीन विजन, तीन डिजिटल इंडिया मिशन के तीन विजन है, है ना, डिजिटल इंडिया मिशन के क्या है, तीन विजन है, डिजिटल एम्पावरमेंट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है गवर्नेंस, तीसरा है गवर्नेंस, ये तीन क्या थे, विजन थे, तीन विजन थे, लेकिन नाइन पिलर्स हैं, नाइन पिलर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा मैं इलाबरेट करता हूं, ठीक है। DIG को आपने देख लिया, डिजिटल एम्पावरमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही चलती आ रही है। आपको मैं आपको लोक प्रशासन में समझाऊंगा कि लोक प्रशासन के नए आयाम, न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ई गवर्नेंस जब आई, ई गवर्नेंस तो मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी और उसके बाद से आगे चीजें बढ़ती चली गई। मतलब जब जब हम इंटरनेट या जब जब हम क्या है इस प्रकार कम्युनिकेशन चैनल को गवर्नमेंट में यूज करेंगे, मतलब ई गवर्नेंस का दायरा बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये तीन क्या है, आपके विजन है। तो नाइन पिलर्स को कैसे याद रखें भाई, नाइन पिलर्स को अगर आप याद रखेंगे, ये भी याद रखना, तो यहां से स्टार्ट होगा, है ना, ब्रॉडबैंड हाईवे से चीजें स्टार्ट होगी, ये नाइन पिलर्स आएगा। इसे याद रखने का एक ट्रिक है, निमोनिक से देखो, H हाई झुमकी, है ना, HIGH हाई झुमकी, ठीक है। तो इस प्रकार इस निमोनिक से चीजें समझ सकते हैं आप। इसमें लिखेंगे पहला, देख रहे हैं कि ये आपका H, H का मतलब क्या है, ब्रॉडबैंड हाईवे, ठीक है, H का मतलब क्या है आपका, ब्रॉडबैंड हाईवे, सभी को नहीं लिख रहा हूं, यहां पे ऑलरेडी लिखी हुई है, H का मतलब ब्रॉडबैंड हाईवे है, ठीक। I का मतलब यहां पे देख रहे हैं, अलग अलग जो चीजें आ रही हैं इसी सीक्वेंस में हो जरूरी नहीं, I का मतलब है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, दो I है यहां पे, है ना, आई का मतलब इंफॉर्मेशन पॉल, सबके लिए क्या है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सूचनाएं उपलब्ध हो, इंटरनेट के माध्यम से आप देखते हो कि नहीं कि कितना किसी भी जिले में या किस में कितना फंडिंग हुआ, दो मिनट में आप इंटरनेट में चेक कर सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी क्या पब्लिक डोमेन में रहे, कौन सी स्कीम लॉन्च की जा रही, कितनी फंडिंग होती, आप पढ़ते हो कि नहीं, क्या पढ़ते हो, आपकी राज्य सरकार के वेबसाइट से लेके आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ते हो, पूरा डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, दो मिनट में आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा कोई भी चीज है सब क्या होगा, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल हो। उसके बाद जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है ई गवर्नेंस, गवर्नेंस का जी का मतलब गवर्नेंस, हाई का मतलब ब्रॉडबैंड हाईवे, ब्रॉडबैंड हाईवे मतलब इंटरनेट का जाल बिछाना पूरे भारत में, पंचायतों को लेकर से लेकर हर किसी को इंटरनेट का जाल बिछाना। पुराने समय में क्या था, जब 4G 5G नहीं आया करती थी तो पुराने समय में हम देखते थे टेलीफोन से क्या है वो चीजें पहुंचाई जा रही थी, पंचायतों को क्या है टेलीफोन से जोड़ा जा रहा था। पंचायतों में अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हर पटवारी के पास कंप्यूटर भेजा गया और पटवारी क्या करता था, कंप्यूटर के थ्रू क्या है आप आजकल देखते हैं नक्शा खसरा, ठीक है, सब चीज निकालना बहुत आसान हो चुका है, एक क्लिक पे आपको सब चीज मिल जाएगी।
पहले क्या उसे हाथ में ड्रॉ करते थे और बहुत दिन समय लगता था, तो ब्रॉडबैंड हाईवे से वो सब चीजें बदल गई। ठीक, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, मैंने बता दिया कि सूचनाओं का सर्वत्र रूप से क्या है उपयोग, सबके लिए उपलब्ध रहेगी, कोई भी, चाहे केरला का डेटा हो, जम्मू का डेटा हो, उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो, कहीं पे भी आप आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं उनके वेबसाइट पे जाकर। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर ना छूटा रहे ई गवर्नेंस डिजिटल तरीके से, हर सभी चीजों को डिजिटलाइज करना है, सभी चीजें पूर्णतः जुड़े। अगर नहीं जुड़ेगा तो वो डेवलपमेंटल स्टेज में रहेगा, लेकिन वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप इवन ये बता देंगे कि जैसे बलौदा बाजार में क्या मिलता है, ज्यादा चूना पत्थर ज्यादा मिलता है, तो कितना बलौदा बाजार में, वो सब चीजें उनकी वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो। भारत का सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला कौन सा है बताओ? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है, रेवेन्यू प्रोवाइड करने वाला जिला है। आप जाकर उनके वेबसाइट में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूरा देख सकते हो, राज्य सरकार की में पूरा देख सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे में वो सब चीजें हैं, है ना। उसके बाद फिर से एक एच आया है, एच आया तो यहां पे देख रहे हैं कि ये चीजें जो जो हो चुकी हैं, टिक करते चलते हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे आ गया, आपका ई गवर्नेंस आ गया, हमारे पास देखते हैं ये आपका, और ये आता है जी के बाद देखते हैं एच। तो यहां पे याद रखना अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, हार्वेस्ट तो फसल के लिए यूज किया जाता है, तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में क्या है कि यहां पे फसल से संबंधित नहीं है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जब वीकर सेक्शन या उस लाइक टारगेट वाले ऑडियंस तक पहुंचती है, उसका क्विक रिफ्लेक्शन कब आए, इतना तेजी से तेजी जो भी सरकारी योजनाओं का त्वरित रूप से क्रियान्वयन हो और उसका त्वरित परिणाम प्राप्त हो, यानी कि फास्टर एग्जीक्यूशन हो, फास्टर क्या है रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, ये होगा जैसे कि आपको तेंदुपत्ता संग्राहकों को क्या करना है, पैसे बांटना है, या फिर उनको क्या करना है, उन तक क्या है चरण पादुका पहुंचानी है, या उनको क्या है उनका बीमा करना है, या उनको क्या है बोनस प्रोवाइड करना है। तो डीबीटीज के तो तुरंत उन तक पहुंचा सकते हैं, तो पहला ऑप्शन कि उनके खातों में तुरंत पहुंच जाएगा, बोनस भी उनका तुरंत पहुंच गया, तो चीजों का फास्टर एग्जीक्यूशन हो गया। कोई भी सरकारी स्कीम का फास्टर एग्जीक्यूशन एंड फास्टर रिजल्ट इज कॉल्ड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अब वो कब पॉसिबल होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे रेडी होगा। अब सुदूर बस्तर में क्या है, उस जगह इंटरनेट ही नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो क्या ये अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर ग्राउंड लेवल पे लोगों को मैनुअली सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, ये हो गया भाई। जे का मतलब जॉब्स, आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर को इतना बढ़ाया जाए कि वहां पे जॉब्स क्रिएट हो। अच्छा, मैं वो पॉइंट पे बताना ही भूल गया, बेंगलोर वाला वर्ड का आंसर, ठीक है यहीं पे आ जाएगा, आईटी फॉर जॉब्स। दुनिया के सर्वाधिक सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर भारत में पाए जाते हैं, मैंने कहा। दूसरा कि हमारे यहां जो आईटी से पास आउट इंजीनियर्स होते थे वो कैलिफोर्निया चले जाते थे, उसे ब्रेन ड्रेन कहा गया, प्रतिभा की क्षति कही गई। उसके बाद कहा गया कि वो जो यूएसए की कंपनीज थी वो क्या है, भारत में हैदराबाद, नोएडा, बैंगलोर, पुणे, ऐसे कुछ जगह, भुवनेश्वर भी सेलेक्टेड था, तो इस जगह पे क्या किए, अपने अपने सेंटर्स छोड़े, सेंटर्स का एक यहां पे उनका ऑफिस डाले, और यहां पे भारतीय इंजीनियर्स को जिस टैलेंट के आधार पर रिक्रूट किया जाता था वो यूएसए में बहुत ज्यादा पे करना होता था रिलेटिवली, लेकिन भारत में उसे कम रेट में क्या, या कम सैलरी पे उसे क्या कर रहे हैं, जॉब पे रख रहे हैं। वही चीजें यूएसए में भारतीय, भारत के लिए बहुत ज्यादा था लेकिन उनके लिए उतना ज्यादा नहीं था, फिर भी अगर देखें तो भारत में उसी आईटी इंजीनियर को मान लो 6 लाख 10 लाख के पैकेज दे रहे हैं, वहां पे 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं, और वहां के प्रॉपर जो है यूएसए के लिए आपको 80 लाख 1 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। तो हुआ ये कि भारत में एक वर्ड आया कि भारत में इंजीनियर्स इतना ज्यादा होते चले गए कि बेंगलोर एक सिटी है, बेंगलोर सिटी में आईटी सेक्टर बूम कर गया, बहुत तेजी से बढ़ा, और पूरे आईटी इंजीनियर्स वहां इतना हुआ। तो फाइनली पूरा एक जगह सेंट्रलाइज हो जाने के कारण एक वर्ड यूज हुआ, गेट बेंगलोर।
ठीक है, इंजीनियर्स आर गेट बैंगलोर का मतलब ये है, गेट बैंगलोर मतलब सीधा सीधा बैंगलोर में है, तो ये डिक्शनरी में ऐड किया गया वर्ड है गेट बैंगलोर। बैंगलोर तो सिटी का नाम है, ठीक है, गेट बैंगलोर होना मतलब वो बैंगलोर में चले जाना फॉर द आईटी जॉब्स या बैंगलोर में काम करना। चीजें समझ में आई? ठीक, तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ी एक रिवॉल्यूशन लेकर आई थी जॉब्स फॉर आईटी। आज भी देखते हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं अच्छे खासे पैकेज में, घर पे बैठे काम कर रहे हैं उसी ऑफिस आवर में। तो आने वाले समय में आईटी जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा भी और करेगा भी, कि वो जॉब्स जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, भारत जैसे देश के लिए तो और बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम मोस्ट पॉपुलस नेशन हो चुके हैं वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो चुके हैं, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, तो इतने नंबर आप यहां पे एक वर्ड यूज किया, जानते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड जानते हो आप लोग? जनसांख्यिकी लाभांश। 18 से 35 साल के युवाओं को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। अप्रोक्सीमेट डेटा मैं बताता हूं कि 68.66% या 67% क्या है, लगभग 69 मान लो मोटा मोटा, इतने परसेंट क्या है भारत में टोटल पॉपुलेशन में यंग जनरेशन है 18 से 35 साल वाले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस यंग जनरेशन को अगर नरिश ना किया जाए, प्रॉपर इनको एजुकेट ना किया जाए, तो ये बाद में बोझ बन जाएंगे, और यही चीजों को एजुकेट कर दिया है, स्किल्ड कर दिया जाए, तो यही चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज जैकपॉट बन जाएगा, क्योंकि हम दुनिया में वैसे भी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय डॉक्टर, भारतीय सॉफ्टवेयर, भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री पता है ना, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन है हम, तो ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं, कर पाएंगे फ्यूचर में, और क्योंकि यहां पे उस यंग टैलेंट को डेमोग्राफिक डिविडेंड को ट्रेन करना जरूरी है। तो आने वाले समय में जॉब्स फॉर आईटी, आईटी जॉब्स और बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जे, जे को कह दिए, उसके बाद यू, यूनिवर्सल एक्सेस। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सबके लिए क्या है, आसानी से क्या है एक्सेस किया जाए, किसी भी जगह के कोई भी इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सल एक्सेस फॉर ऑल। यू का मतलब सबके लिए सार्वजनिक रूप से पहुंच, एक तो पब्लिक डोमेन आप रखोगे, दूसरा आप तक पहुंचने के लिए क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस फॉर ऑल, सब तक के लिए पहुंचने के लिए। तो कैसे पहुंचते हो, करते हो ना पीएमओ में या फिर ट्वीट कर देते हो सीएम साहब को, पीएम साहब को, किसी भी मिनिस्ट्री को आसानी से, तो यूनिवर्सल एक्सेस भी हो गया, आप हर जगह तक पहुंच सकते हो, अपनी बातों को मेल के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, यहां पे आ गया मीक, एम का मतलब यहां पे बताइए, मोबाइल कनेक्टिविटी, टेली डेंसिटी को बढ़ाना। तो टेली डेंसिटी का मतलब यह है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ टेलीफोन यूजर्स हैं। तो एक समय में ऐसा होता था हजार में क्या है दो चार लोग, पांच दस लोग होते थे, एक समय ऐसा हुआ इसका रेट बढ़ता चला गया, और मेरे ख्याल से अभी टेली डेंसिटी का जो रेशियो है हजार लोगों के बीच में हजार से ज्यादा हो चुका है। पहले हजार के बीच में पांच दस हुआ करते थे, फिर हजार का सौ रहे होंगे, आज देखते हैं मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि आप हजार लोगों को काउंट करेंगे कि किसी के पास मोबाइल नहीं होगा। अगर चलो दस लोग मोबाइल वाले नहीं भी मिले, तो आप अपने लाइफ में कितने मोबाइल यूज कर चुके हो जब से यूज करना चालू किए, दो चार पांच सात है ना, यूज किए हो कि नहीं। टेली डेंसिटी का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में प्रति थाउजेंड के बीच में नंबर ऑफ टेलीफोन यूजर्स कितने हैं। तो टेली डेंसिटी यहां तो बहुत बढ़ गई, लेकिन रूरल एरिया में भी बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव था, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सब जगह। तो ये देख रहे हैं आपका क्या होगा, मोबाइल कनेक्टिविटी से ही तो हम स्कीम्स को पहुंचाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, ये चीजें भी हो गई, एम हो गया, उसके बाद के, ई क्रांति का मतलब वही है कि हम डिजिटल इंडिया के थ्रू या डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू, ई गवर्नेंस के थ्रू सभी चीजों को इतना बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना कि एक रिवोल्यूशनाइज हो जाए, क्रांति आ जाए। ई क्रांति दैट इज नथिंग बट द एग्जीक्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम।
ये कुल मिला के सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से ही संबंधित है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि ये किसी में भेदभाव तो करेगा नहीं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, आपस में लड़ाई उससे मतलब नहीं है। ये क्या है, डिजिटल इंडिया है जो हमको यूनाइटेड भी कर रही है। नाउ यहां पे आई, आई मतलब यहां पे एक वर्ड आता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल भी हम कर चुके थे, आईटी जॉब्स भी कर चुके थे, तो एक आई का मतलब क्या आईटी फॉर जॉब्स था, एक इंफॉर्मेशन फॉर ऑल था, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं ये 9 पिलर्स हैं और इसे 9 पिलर्स के थ्रू ही क्या है भारत क्या है डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रही है अपनी पटरी पर। अब इतनी सारी चीजें आप चाहो तो लिख सकते हो। अब भारत में यदि देखा जाए कौन कौन से ऐसे बहुत सारे लाइक रिवोल्यूशनाइज करने वाले आईसीटी के प्रोग्राम्स हैं या आईसीटी के थ्रू एग्जीक्यूट होने वाले सरकारी स्कीम्स हैं, तो सरकारी स्कीम्स में आपको 1 by 1 से पॉइंट लिखना, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बाकी अपने हिसाब से इसे एलाबरेट करना। एग्जैक्टली शब्दशः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हो सकता है आप चीजों को दूसरी जगह से स्टार्ट कर दें, ठीक है। देखते हैं कोविन डॉट इन। अब आईसीटी का उपयोग क्या क्या किन क्षेत्रों में हो रहा है, तो लिखेंगे पहला हेल्थ सेक्टर कर देंगे, और हेल्थ सेक्टर में कहेंगे तो फॉर द वैक्सीनेशन, सबसे बड़ा पैंडेमिक था तो कोविन.इन ने ये सब चीजों को आसान बना दिया। कैसे आसान बना दिया, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के अभियान को बहुत सुचारू रूप से चलाने में कोविन.इन ने, कोविन.gov.in ने मदद किया, जिसके कारण जो है हमारा फर्स्ट डोज सेकेंड डोज आसानी से या फिर लाइक बूस्टर डोज आसानी से उसी के हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हैं, कब लगाया, कौन नहीं लगाया, कब लगाया जाएगा समथिंग। ये चीज भी मैटर करती है कि फ्यूचर में कितने परसेंट वैक्सीनेटेड हैं, चेक किया जाए 2023 में कितने परसेंट वैक्सीनेटेड है, 2030 में मान लो चेक करते तो उस डेट तक कितने लोग थे, फर्स्ट फेज में कितने वैक्सीनेटेड थे, सेकेंड में कितने थे, तो ये सब चीजें पॉलिसी एग्जीक्यूशन में, पॉलिसी मेकिंग में काम आती। तो सीधा सीधा लिखेंगे हेल्थ सेक्टर में कोविन के आने पर हमको पैंडेमिक से क्या हुई, बहुत मदद मिली। चलो मैं आपको बताता हूं जैम ट्रिनिटी जिस बात कर रहे हैं आधार की, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, नंदन नीलेकणी साहब जो कौन है पता है, इंफोसिस के को फाउंडर है। इंफोसिस के फाउंडर मेंबर कौन कौन है, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और नंदन नीलेकणी, ये तीनों के द्वारा भारत की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस का जो है वो फाउंडर है वो, ठीक है। तो इंफोसिस के जो को फाउंडर है नंदन नीलेकणी, उन्होंने एक चीज सोचा, क्यों ना हम JIJA और M, जैम ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब तीन चीजों का मिलन या तीन चीजों से मिला हुआ, इसको क्या करें, देखो जन, जे का मतलब क्या है, अकाउंट खोलना, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जनधन अकाउंट खोला गया था, कि कोई भी आपका हर किसी के पास बैंक अकाउंट होगा, अगर नहीं होगा तो उसका खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा उनका अकाउंट, कि कितना बड़ा क्रांति लाएगा भी सुनना थोड़ा चीजों को। जनधन का मतलब यहां पे केवल जनधन खाता नहीं है, कोई भी बैंक अकाउंट, भाई अर्बन एरिया के लोगों के पास रहता है अकाउंट, रूरल एरिया के पास तो नहीं रहता वहां पे, तो उनके लिए हम जनधन खोलेंगे। उसको हमने जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर लाया है उस आधार नंबर से क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे, बिना आधार का आपका अकाउंट नहीं खुलता, ठीक। उसके बाद उसे में क्या है, एक मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करेंगे। अब एक बात नोट करिए, आधार के साथ पैन कार्ड को भी लिंक करना कंपलसरी हो गया है। आधार के साथ कौन जुड़ गया भाई, पैन कार्ड जुड़ गया, जो आपके जो है जितना भी आप लेन देन करते हैं उसका पूरा ब्यौरा लेखा जोखा पूरा उसमें आप पैन कार्ड में मिल जाएगा आपका। हर किसी के पास पैन कार्ड भी होता है, अर्बन एरिया छोड़िए रूरल एरिया में भी आजकल कंपलसरी हो गया है पैन कार्ड, तो क्योंकि वो अकाउंट खुला मतलब पैन कार्ड लगेगा ही लगेगा, नहीं होगा तो फिर अलग अलग फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक। तो यहां पे इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन समझिए कैसे ये चीजों को बदल के रख दिया। मान लो किसी के पास अकाउंट है, हर किसी के पास यहां आधार होता है, आधार किससे जुड़ा है, पैन से जुड़ा हुआ है, पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, और आपका आधार पैन वो आपके क्या है मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है,
और ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई है, आपके अकाउंट से जुड़ी हुई है। कोई भी फॉल्स कुछ भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, गलत नहीं ठहरा सकता, या उसे आसानी से पकड़ सकती हो अगर कोई कल्प्रिट है तो। कैसे कि मान लो कोई फला व्यक्ति गलत तरीके से पैसा ले लिया, या किसी के पास बहुत पैसा आ गया, वो बेनामी संपत्ति वहां पे प्लॉट खरीद रहा है, वहां पे जमीन खरीद रहा है, वहां पे कार खरीद रहा है, घर में तिजोरी में भर भर के सोना चांदी और पैसा रखा हुआ है, तो कुल मिला के एक तो या तो वो बेनामी संपत्ति होगी, मान लो प्लॉट है, जमीन है, तो जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। जमीन की रजिस्ट्री यदि करेंगे तो आपको क्या लगेगा, आधार लगेगा, बिना आधार कार्ड के हो ही नहीं सकता। वो आधार किसके साथ कनेक्टेड है, पेन, पेन के साथ क्यों कनेक्टेड है, अकाउंट। तो जब चेक करेंगे ना तो वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट जो आपकी जानकारी में नहीं है वो उस डॉक्यूमेंट में उसे क्या करेगा, सिंक करके ले आएगा, मतलब कनेक्टेड दिखेगा। वो व्यक्ति गलत तरीके से 10 जगह भी प्लॉट है, 10 जगह भी जमीन है, दिल्ली में, हरिद्वार में, यहां रायपुर में है, बिलासपुर में, अलग अलग जगह पे है, तो सब जगह अगर उस व्यक्ति के नाम पर है, वो नहीं बताया तो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी बता देगा उसे, ठीक है। गलत तरीके से मनरेगा के वेजेस किसी को नहीं दे सकते क्योंकि उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर है, मान लो कि इसका नाम जगत कुमार है तो जगत कुमार के नाम से उसका आईडी है, उसका अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में तो पैसा जाएगा। और वो चीज किसके साथ कनेक्टेड है, आधार के साथ, आधार कनेक्टेड है पैन कार्ड के साथ, और पैन कार्ड कनेक्ट मतलब कुल ये तो आइडेंटिटी आपका बायोमेट्रिक आईडी है, वो गलत दे ही नहीं सकता, गलत आईडी वहां पे डाल ही नहीं सकते आप, वो डिनाई कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर बाद पीडीएस सिस्टम बताऊंगा क्यों भारत का पीडीएस, छत्तीसगढ़ का पीडीएस पूरे भारत में फेमस है, क्यों इतने बड़े बड़े क्या है आपके नेशनल अवार्ड मिले हैं पीडीएस सिस्टम को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो जैम ट्रिनिटी आने पर किसी भी व्यक्ति को उसका पूरा ट्रांजेक्शन को आसानी से पता लगा सकते हो। एक कहीं पे चीज, किसी भी कान को पकड़ो, आप अकाउंट को पकड़ो तो इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, वो उससे कनेक्टेड है, मोबाइल को पकड़ो तो उसका आधार नंबर से कनेक्टेड है, वो पेन से कनेक्टेड, पेन जो है आपके जेब से कनेक्टेड है। आप कहोगे मोबाइल नंबर चेंज कर दूंगा, चेंज करोगे तो क्या आपका बायोमेट्रिक चेंज थोड़े हो जाएगा, ठीक है, अगली बार आईडी फिर तो देना पड़ेगा ना, मोबाइल नंबर एक्टिवेट करने के लिए आईडी देना पड़ता है कि नहीं, तो आईडी कनेक्ट हुआ मतलब कुल मिला के कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मतलब एक चीज को छूओगे तो वो आगे खुलता ही चला जाएगा। अभी ईडी बहुत बार छापा मार रही है कि नहीं, ठीक है, हालांकि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन कुल मिला के ईडी का छापा मारना, ये कैसे किसी चीज को पता लगा लेती है, कैसे इस जगह पे, उस जगह पे, अलग अलग राज्यों में कैसे पता लगा रही, इसी के थ्रू पता लगा रही, पूरे ट्रांजिशन देख रही है, और दूसरा एक्टिविटी के थ्रू भी देख रहे हैं कि वहां के अलग अलग, वो पॉलिटिकल मैटर भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते, आपका एक एक ब्यौरा उनको मालूम है, ठीक। तो आधार नंबर की जब शुरुआत की गई, यूनिक आइडेंटिटी नंबर यूआईडी नाम का एक जो है कंसेप्ट लाया गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान संख्या होगी और वो क्या है, इस 12 अंकों के आधार पर पता लगा सकते हो। आपकी पहचान आपका नाम नहीं है, आपकी पहचान आपका आईडी, आपका आधार नंबर है। उस आधार नंबर को एंटर करते ही बाकी सब इंफॉर्मेशन, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रहते कहां हो आपका, हर ये तो पता है ना, क्यों फिंगरप्रिंट और ये रेटिना स्कैन किया जाता है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों का डीएनए अलग होगा, 7 अरब लोगों का फिंगरप्रिंट अलग होगा, 7 अरब लोगों का आपका रेटिना भी अलग अलग होगा, वो कभी भी मैच नहीं करती, सिबलिंग्स में भी मैच नहीं कर सकती, ट्विंस में भी मैच नहीं कर सकती। सिबलिंग्स और ट्विंस में क्या आएगा, बेसिकली डीएनए मैच करेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट तो बचा है, रेटिना तो बचा है, तो इसके आधार पर पता लगा लेते हैं। और डीएनए वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कहना चाहिए कंपाउंड है, ठीक है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फोरेंसिक साइंस उसी में काम करती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का सलाइवा भी यहां पर पड़ा, या कि कोई ब्लड भी थोड़ा सा पड़ा, किसी के हेयर बाल वगैरह भी पड़े, कैसे वो क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, उनका बाल या उनका जो है स्किन भी कहीं पे रगड़ाया हुआ है, साइड में कहीं पड़ा हुआ है, उसे वो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, वहां पे डीएनए है, और वो डीएनए इतना स्टेबल होता है, अभी यहां पे सलाइवा पड़ा होगा और मान लो फॉर एग्जांपल वो नहीं सूखा होगा,
या कुछ भी ऐसा उस जगह का सैंपल निकाल के वहां से डीएनए आप प्राप्त कर सकते हो और उसके आधार पर पता लगा सकते हो। कई सालों तक वो क्या है, स्टेबल रहता है। ठीक है, तो अब आपको पता है आधार हर जगह जरूरत पड़ती है, अकाउंट खोलने में, आपकी किसी भी प्रकार की सब्सिडी लेने में, पेंशन लेने में, अकाउंट खोलने में, एजुकेशन में, सब जगह क्या आपकी आधार की जरूरत पड़ रही है, चाहे सरकारी काम हो चाहे गैर सरकारी काम हो। तो इस प्रकार आधार ने आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट भी किया और आपकी आइडेंटिटी को गवर्नमेंट स्कीम के साथ जो है जोड़ भी दिया, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के साथ, है ना। चले स्टार्ट करते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये वही बात है, जनधन आधार ट्रिनिटी की बात मैंने बता दिया, तीनों के कॉम्बिनेशन से चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई। अब दूसरा सेक्टर देखिए, यहाँ पे एक चीज ऐसा है, उमंग, उमंग नाम का एक जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है, उमंग सॉफ्टवेयर ने क्या किया, यहाँ पे जरूरी नहीं यही चीज लिखे, ये ई गवर्नेंस के सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया, जैसे कि हेल्थ या फिर कह दिया जाए फाइनेंस, एजुकेशन, आवास या स्किल डेवलपमेंट, सब चीजों में ये सब चीजें उमंग ऐप ना, स्प्रिट ऑफ न्यू इंडिया, अलग अलग ऐप है भाई, अलग अलग चीजें। आप यहाँ एजुकेशन सेक्टर में आएंगे तो अभी पढ़ाई तुम्हार द्वार ये वाला आएगा, ठीक है, कोविड पीरियड में वो सब चीज मदद किया था, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। गर्व ग्रामीण विद्युतीकरण है, आसानी से पता लगा सकते हो कि आप को जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी चीजें हैं, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, कौन लाइक उसका बिल कितना है, समथिंग, सब चीजें आजकल हम क्या करते हैं, यूपीआई से ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल आसानी से फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है, आपको बस ध्यान रखना है बुनियादी सेक्टर को सेलेक्ट करना है। अभी हमने सिर्फ हेल्थ सेक्टर को टच किया है, ये तो मिसलेनियस सेक्टर है ना। उसके बाद देखते हैं आगे ई बस्ता, ई बस्ता यही है, ई बस्ता का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस्ता, डिजिटल बस्ता, जिसका मतलब है छात्रों को निःशुल्क चीजें उपलब्ध कराई जाए, जैसे आप एनसीईआरटी वेबसाइट जाते हैं, एनआईओएस की वेबसाइट जाते हैं, नेशनल ओपन स्कूलिंग, या एससीईआरटी जाते हैं, या फिर कह दिया जाए कि यहां पे ई बस्ता जाते हैं, आप इग्नू की साइट पर जाते हैं, सब सरकारी स्कीम की बात बता रहा हूं, गवर्नमेंट वाले, इग्नू की साइट पर जाते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर आप अलग अलग प्रकार के उनके डिपार्टमेंट में जाके भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो ये एक ऐसा है एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाली क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई एक इनिशिएटिव है, जो बेसिकली क्या है, किताबों का डिजिटल संग्रह है। लाइब्रेरी जाते हो, ई लाइब्रेरी भी होती है, ई बुक्स भी होते हैं, तो ये सब चीजें आसानी से मुहैया कराई जा रही है। तो ये हेल्थ के लिए बड़ा, ये एजुकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते क्या है, डीबीटी, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब वही था कि कोई भी वेजेस को, कोई भी सब्सिडी को, कोई भी प्रकार की ऐसे वीकर सेक्शन को पहुंचाने वाली राशि को आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष उसको हस्तांतरित कर सकते हैं, डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेज सकते हैं, डिपार्टमेंट से उस वीकर सेक्शन तक, उस कमजोर वर्ग वंचित वर्ग वाले व्यक्ति तक। 10 वेजेस हैं, 10 मनरेगा के वहां पे मजदूर हैं या 10 काम करने वाले लोग हैं, तो 10 के 10 को पहुंचाया जा सकता, कोई 11वां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे वो कनेक्टेड है आधार के साथ, अगर वहां पहुंच गया कभी ऑडिट हुआ तो पकड़ में आएगा, उनसे उगाही की जा सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत लूपहोल तो निकाल लेते हैं, लेकिन इन जनरली टेक्नोलॉजी उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं देता, हर चीज का वहां पे आसानी से पता लगा सकते हो। अब बिल्कुल चीजें नहीं कह सकते, मैं फला तारीख को दिया था, दिए थे तो ट्रांजेक्शन दिखाइए, और ट्रांजेक्शन दिखाए तो पकड़ में आता है, गलत ट्रांजेक्शन गलत लोगों को दिए आप वापस करिए, ठीक है, सरकार का पैसा फुकट थोड़े है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, आसानी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लीकेज खत्म हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक के बीच में जो भी आएगा उस बीच में जो है, जो भी सब्सिडी भेजी जाएगी, जो भी राशि भेजी जाएगी, वो डीबीटी के थ्रू डायरेक्टली आसानी से वहां तक पहुंचाई गई है। और ये चीजें बहुत बड़ी रिवोल्यूशनाइज चीज है, इसमें एक दो नाम जरूर लिखना है ना, जैसे कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, या भूमिहीन मजदूर योजना, या फिर कह दिया जाए तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनको पैसा दिया जाने वाला योजना, गोधन न्याय योजना, ये सब डीबीटी के थ्रू जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जाता है।
सीधा जिसने जितना ज्यादा क्या है, जैसे कि गोबर सेल किया होगा वर्मी कंपोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब चीजें क्या है उनका जो है पर डे के हिसाब से वहां पे पूरा ब्यौरा है होगा, उतना अमाउंट उनको चला जाएगा। कोई धान बेचते हैं तो क्या है दो प्रकार के अमाउंट आते हैं, एक है एमएसपी आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस समर्थन मूल्य आता है, और दूसरा क्या है बोनस राशि आती है, सीधा अकाउंट में जाती है वो। ठीक है, चीजें समझ में आई, ये कुछ भी चीजें लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं ना आप मेरे से ज्यादा आपको इसको इन्फॉर्मेशन मालूम होगा, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं उस स्कीम को आप लोग इंटीग्रेटेड करके एक जगह लिख लेना, हेल्थ का अलग, एजुकेशन का अलग, यहां पे मैं तो बहुत सारे ओवरऑल सब सेक्टर को लेकर चल रहा हूं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। डिजिटल साक्षरता योजना, डिजिटल साक्षरता योजना ये भी एजुकेशन के लिए, डिजिटलाइज साक्षर करने के लिए है ना, लिटरेट करने के लिए स्कीम चलाई गई थी, जिसमें टैबलेट फोन स्मार्टफोन ये सब चीजों का डिजिटल लाइक चीजों का क्या है प्रयोग किया जाना था, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक, भारत नेट प्रोजेक्ट इसे थोड़ा समझिए, भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इसके पहले ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट साहब उनका जो है लाइक पूरा टेन्योर खत्म हुआ, मतलब यूपीए 1 और 2 खत्म हुआ, उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आई, तो एनडीए गवर्नमेंट आने पर उसी का नाम चेंज करके भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, पंचायतों को इंटरनेट यानी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। ऑप्टिकल फाइबर क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड वही देगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, कभी डैमेज नहीं होता, जब तक उसे एकदम काटा या तोड़ा ना जाए वो कभी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो उस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर योजना के थ्रू जोड़ा जाना था, जिसमें कि पंचायतों तक जो हमारा डिसेंट्रलाइज मॉडल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, कि केंद्र सरकार की योजना राज्य और राज्य का पंचायत तक पहुंचे, तो उस प्रकार उस योजना को फाइनली थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर उसे और ज्यादा बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट लाया गया। भारत नेट प्रोजेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव मैंने कहा 2.5 लाख पंचायत, उससे ज्यादा पंचायतों को इस प्रकार क्या है इंटरनेट से कनेक्ट करना था, जोड़ना था। इस प्रोजेक्ट के तहत अब आसानी से क्या है पंचायतों तक पहुंचाया जा सकता है, उनको क्या है ब्रॉडबैंड स्पीड जो है स्पीड उस समय के हिसाब से, अभी स्पीड इसकी ऑब्वियसली बढ़ गई होगी, इतना स्लो स्पीड तो आजकल यूज नहीं करते कोई है ना, समझ में आया। जिसके साथ अगर क्या है भारत नेट गांव तक उसका विस्तार होगा तो ई गवर्नेंस का दायरा रूट लेवल तक बढ़ जाएगा। फिर ई गवर्नेंस अब भारत सरकार से लेके इस ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत तक या उस गांव तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, उसका एग्जीक्यूशन, उसके बाद उससे उसका हासिल होने वाला जो रिजल्ट है परिणाम है उसको आसानी से हम चेक कर सकते हैं, उसे लाइक आगे पॉलिसी बना सकते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वयं पोर्टल भी है, जो बेसिकली 9 से 12 तक के क्या ये एजुकेशन सेक्टर में काम की जाने वाली क्या है ऐप है, जो बेसिकली स्वयं सेक्टर इसे कहेंगे लाइक जिसमें कि आप 9 से 12 तक के उनको ऑनलाइन क्या है इस प्रकार का पूरा शिक्षा प्रोवाइड करना, शिक्षित भारत उन्नत भारत स्वयं पोर्टल ये है, आप खुद जाके स्वयं पोर्टल में जाके देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, उमंग पोर्टल में जाके देख सकते हैं कुछ चीजें, कुछ स्वयं पोर्टल में देख सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लाइब्रेरी में तो किताबें होती है, तो यहाँ पे हम कहेंगे बहुत सारे ऐसे 3 करोड़ से भी अधिक क्या है डिजिटल रिसोर्सेस किताबों का वहां पे संग्रह होगा, कोई भी किताब पढ़नी है कुछ भी करनी है बस लाइब्रेरी में आप प्राप्त कर सकते हैं, आप साइन अप करके वहां सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें एजुकेशन सेक्टर में। ये देखिएगा स्वच्छ भारत ऐप, स्वच्छ भारत मिशन था ये समाप्त हो गया था 2022 तक इसका क्या है समय था। मिशन हमेशा क्या होता है फिक्स पीरियड के लिए समय के लिए होता है, लेकिन योजना क्या है लाइफ, जैसे मनरेगा योजना लगातार चलती ही रहेगी, योजना को जब तक सरकार के द्वारा बंद ना किया जाए या फिर जब तक क्या है उस अपने टारगेट को हासिल करने के बाद उसे रिव्यू करके फाइनली इसे आगे ना बढ़ाया जाए तब तो वो चलती ही रहेगी, मतलब बिना उसे कुछ किए योजना चलती ही रहती है, लेकिन मिशन का एक फिक्स पीरियड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे पूसा कृषि लर्निंग ऐप एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी देखते हैं पूसा के साइट पर जाएंगे वेदर फोरकास्ट 5 दिन का दिख जाता है आपको, कौन से फसल है वो दिख जाता है, कौन से फसल उगाए जाने हैं,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बातें सबको समझ में आ गई। आगे हमारा टॉपिक आएगा भी, अगला टॉपिक एनर्जी टेक्नोलॉजी, उसका अगला टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे पूसा कृषि लर्निंग से फार्मर को बहुत आसानी हो सकती है, फायदा पहुंच सकता है। कितना पहुंच रहा है वो अलग मैटर है, हमने आईसीटी का एप्लीकेशन कह रहे हैं ना, वो कितना कर रहा है वो अलग मैटर है। हम ये सब चीजें उपलब्ध करा रहे, जब किसान जागरूक होंगे तो ऑब्वियसली ये सब चीजें प्रारंभ करना देखना चालू कर देंगे। किसान से संबंधित पूसा कृषि लर्निंग ऐप, किसान चैनल, किसान चैनल को भी आप लिखेंगे, है ना। आगे आएगा ये किसान सुविधा, है ना। अभी मैं बताऊंगा ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी, अभी थोड़ी देर में उसका बताऊंगा एग्जांपल। देखो कि किसान सुविधा ऐप में वेदर फोरकास्ट, अगले 5 दिनों के लिए मौसम कैसे होने वाला है। मान लो आप टमाटर की बहुत खेती किए हैं कि 2 दिन बाद ओलावृष्टि होने वाला है, टमाटर को कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करिएगा। वहां 2 दिन बाद देखते हैं कि वहां पे 4 दिन बाद बारिश होने वाली है बहुत, और आपको फसल काटने ही वाले, जल्दी से काट के उसे घर ले आइए। तो ये सब चीजें मैटर करती है। कई बार होता है कि सूखा, बाढ़, ये सब चीजों का वेदर फोरकास्टिंग, याद रखिएगा आपके मोबाइल में भी जो वेदर फोरकास्टिंग दिखता है वो बहुत सटीक वाला है। कारण वो ये सब चीजें एक ही सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, प्रत्यूष। प्रत्यूष भारत का सबसे फास्टेस्ट मेटीरियोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है, मौसम संबंधी सुपर कंप्यूटर, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो अलग है, ठीक है। यहां पे प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने पर हमको क्या है, डेटा बहुत सटीक मिलता है। आजकल वेदर फोरकास्ट जो होगा बिल्कुल सटीक मिलेगा आपको। पहले होता था एक अनुमान लगाया जाता था, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो इसलिए क्या है, सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। मैं आगे कंप्यूटर वाला टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा भी, है ना। सुपर कंप्यूटर कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन से सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट थे और किस प्रकार कितना हमको फ्यूचर में बनाना है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में वो सब चीजें आ जाती है, मैं बताऊंगा अभी। वो टॉपिक अपना तीसरा टॉपिक होगा, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार किसान का हो गया। चलो एक नाम मैं बताता हूं, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी। चलिए आपको पता है कि पूरे बस्तर या जगदलपुर एरिया फेमस है इमली के लिए, पता है, ठीक है। इमली या टर्मिन जो है, इसका अगर हम देखते हैं कि पूरे भारत छोड़िए पूरे वर्ल्ड में हम इसे सेल कर सकते हैं। मंडी में होता क्या है, किसान अपनी फसल को बेचता है, सामने वाला खरीदता है। अगर धान की केस में कहें तो सरकार खरीदता है और किसान बेचता है, लेकिन बाकी मंडी में भी देखते हैं, सब्जी मंडी में तो खरीदने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बेचने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं। ई मंडी का मतलब क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी, ई नाम कहते हैं, मतलब ई वर्ड आया ना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी, मतलब वो डिजिटलाइज मंडी है। आप मान लो जगदलपुर में रहते हो और आपको पता है कि आपके पास अभी देखते हैं कि बहुत ज्यादा कई 100 क्विंटल आपकी इमली का स्टॉक आने वाला है। आपने क्या किया, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी में रजिस्टर्ड किया और नेशनल एग्रीकल्चर मंडी में आपको इमली को आपको सेल करना है। किसको सेल करना है, अब भाई पूरे साउथ इंडिया में इडली सांभर खाया जाता है, इडली डोसा सांभर खाया जाता है, सांभर बिना इमली के बनता नहीं है, बन भी सकता है खट्टापन हो लेकिन ऐड तो देखे ही होंगे, बिना इमली के सांभर बनाना है। तो कुल मिला के साउथ इंडिया में एक बात क्या है, पूरे साउथ इंडिया में इमली का कंजम्पशन बढ़ जाएगा कि नहीं, अगर आप उनको एक अच्छे रेट में दोगे तो। साउथ इंडियन फूड तो पूरे भारत में खाई जाती है ना, अब सब जगह खाई जाती है, या उस इमली के मल्टीपल यूसेज भी है भी, उसमें बहुत सारे और प्रोडक्ट बनते हैं, एडिबल प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह भी बनते हैं। आए दिन आप देखते क्या है, आप जिसे हम देखते हैं अक्सर सॉस खाते हैं, टोमेटो सॉस, आपको पता है कि लुड़ेग वाले एरिया में हर साल क्या है, टमाटर को क्या किया, फेंक दिया जाता है, इतना ज्यादा भारी भरकम प्रोडक्शन होता है। आप क्या किए, लुड़ेग एरिया में पाए जाने वाले, कहां पे पता है ना, है ना, जसपुर एरिया में, ठीक है, रायगढ़ जसपुर एरिया में, तो उस एरिया में इतना सारा टोमेटो होता है, आपको पता है टोमेटो से ही सॉस बनती है और उसी सॉस को आप खरीद के खा रहे हो। तो हमने कुछ ऐसा किया कि नेशनल एग्रीकल्चर मंडी में रजिस्टर करो और उसी प्रोडक्ट को, उसी जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप अलग अलग जगह पे या तो सेल कर दो, अगर आपको फायदा होगा तो ठीक है बेचो, अदरवाइज उसको क्या करो, प्रोसेस में डाल दो सॉस बनाने के लिए। तो फूड
प्रोसेसिंग सेंटर राज्य सरकार घोषणा कर रही है, बहुत सारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अलग अलग जगह पे, ताकि फूड प्रोसेस हो सके। टेक्नोलॉजी कितना बदल दिया है कि आपकी हर चीजों को बेच सकते हो किसी भी जगह, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो नेशनल एग्रीकल्चर मंडी मतलब एक वर्चुअल मंडी है, जिसमें कि आप भी रजिस्टर्ड होंगे, मतलब सेलर भी यहां पे है, बोरोवर भी है, या फिर वो वहां पे बायर भी उधर पे है। तो बायर और सेलर के बीच में आपने एक बस एक टेक्नोलॉजी का क्रिएशन कर दिया, उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आप बेचेंगे, वो खरीदेगा, दोनों को फायदा हुआ। आप बस बैठे बैठे, आपको बता दूं, आई हैव बीन इन शिमला मनाली एरिया इन 2009। हम मैं बता गया था तो उसमें एक चीज मुझे देखने को मिला था, उस समय 2009 में उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी आईटी का। हम यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से गए थे, एक एडवेंचर लाइक वहां पे लाइक ट्रेनिंग था, ठीक है, रविशंकर यूनिवर्सिटी की टीम से गए थे। तो वहां पे जाने पर हुआ ये कि हम जब ज्यादा एल्टीट्यूड में जा रहे थे, हम लोग बहुत ऊपर शिमला से ऊपर 67 किलोमीटर में एक जगह है नारकंडा, जहां पे हमारा एडवेंचर ट्रेनिंग हुआ था। ये जो क्या बोलते हैं, भारत छत्तीसगढ़ की फर्स्ट एवरेस्टर का नाम पता है ना, नैना सिंह धाकड़, हमारी टीम में थे, एक ही टीम में थे। तो नैना सिंह धाकड़, मैं और ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग स्कूल से सेलेक्टेड जो है ऐसे 20 लोग गए थे, 10 गर्ल्स 10 बॉयज और टीचर प्रोफेसर वगैरह भी गए थे। ऐसे पूरे भारत के अलग अलग लोगों के गए थे, हर राज्यों की टीम गई थी वहां पे एडवेंचर के लिए। तो वहां पे एक चीज नोटिस करने का मुझे मौका मिला कि जिस एरिया में हम रहे थे एप्पल बहुत होता है, और वो बहुत डिफिकल्ट टॉपोग्राफी है। इस प्रकार गए, आप केशकाल घाटी चढ़ते हो ना, तो यहां पे मान के चलो 100 केशकाल घाटी चढ़नी है, ठीक, हमेशा आपको हमेशा इस प्रकार ही जाएंगे। अगर आप शिमला मनाली एरिया गए होंगे तो आपको मालूम होगा। तो वहां पे उतना डिफिकल्ट टॉपोग्राफी में क्या है, कोई एप्पल को नहीं खरीदने आ सकता, डील करने नहीं आ सकता रेगुलरली। तो वो लोग क्या करते थे उस समय में, उसको फोटो खींचते थे, और फोटो खींच के उसे क्या करते थे, मेल तो आ चुका था, ईमेल किया करते थे, और ईमेल करने के बाद उसका सैंपल देखते थे, और अलग अलग ए ग्रेड का एप्पल, बी ग्रेड का एप्पल और नॉर्मल एप्पल, और इस प्रकार उसे क्या कर देते थे, वहां पे ओके हो जाता था, और वहां पे पेमेंट आया, इधर ट्रक निकल गया, डिस्पैच हो गया। मतलब वो एक कम्युनिकेशन का जरिया था वो 2009 में। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि उस एरिया में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते थे, खुरबानी साथ साथ, खुरबानी फ्रूट है, साथ साथ बहुत सारे वहां पे बादाम होते हैं, ठीक है, उस एरिया में बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो उसको सबको सेल करते थे, और वो फिर क्या है, इधर दिल्ली वाले क्षेत्रों में आता, मैदानी एरियो में आता था, मैदानी एरियो से अलग अलग राज्यों में सप्लाई होता है। भाई एप्पल तो उधर ही से आएगा ना, हिमाचल जम्मू उसी एरिया से आएगा, जम्मू कश्मीर हिमाचल एरिया से आएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया के कारण, यानी कि इस प्रकार के आईसीटी जैसे प्लेटफॉर्म के कारण कितना चीज आसान हो गया है। आपके दिमाग में आज एक थॉट है, हर किसी को पीएससी का अच्छा नोट चाहिए, अच्छा रिटर्न वाला, आपको पूरा हो, सातों पेपर का रिटर्न वाला पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा हर किसी की चाह होगी। मुझे बस क्या है, स्कूल कॉलेज जैसे बस रट्टा मारना है, इस प्रकार की चीजें अगर सोच रहे होंगे, हो सकता है कल कोई क्रिएट कर ले पूरा टॉपर्स का क्या है, पूरे कॉपी को स्कैन कर ले, एक जगह ऑर्गेनाइज कर ले, एक ऐप प्रोवाइड कर ले, स्टूडेंट्स ऐप, और सब जगह वहां रजिस्टर करोगे पीएससी की, एक एक क्वेश्चन पेपर वाइज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक जगह कलेक्शन मिल जाए, और आपने ऐप बनाया, आप उसके रजिस्टर के लिए पैसे लोगे आप। तो चीजें कितनी बदल जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये नेशनल एग्रीकल्चर मंडी में एक दो फ्रूट, एक दो क्या है प्रोडक्ट का नाम जरूर लिख लेना, चाहे इमली का मैंने एग्जांपल दिया, आप कोई दूसरा भी वेजिटेबल्स या दूसरे भी लाइक प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप लिख सकते हो। कुल मिला के ये इंटरनेट के माध्यम से किसानों और व्यापारी को इंटीग्रेटेड करता है, एकीकृत करता है। चले ई जिला, ये तो आपको मैंने बता दिया, डिसेंट्रलाइज मॉडल है, हर पंचायत मतलब हर जिले में का भी क्या है, एक क्या होता है आपका वेबसाइट होता है। देखिएगा आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, कितने क्या है तहसीलदार है, कितने डिप्टी कलेक्टर है। आप जब डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनोगे तो आप भी वही काम करोगे, आपका नाम भी उसमें दिखेगा आपको आसानी से, ठीक है। आप मान लो किसी दरभा एरिया में है काम कर रहे हैं, या फिर बस्तर एरिया में है, या फिर इधर गरियाबंद क्षेत्र में, कहीं पर भी है, आपको उस जिले में जाएंगे तो रिलेटेड आपका नाम, कर्मचारी का नाम, मोबाइल नंबर, किस पद पर है, किस सब चीजें आ जाएगी,
मतलब जिले से संबंधित हर सभी प्रकार की चीजों का, जिला प्रशासन का, जिले में पाए जाने वाले सभी रिसोर्सेस का वहां पे एक डिसेंट्रलाइज मॉडल के थ्रू इस प्रकार चीजें दिखेगी। इससे क्या होगा फायदा, इससे एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट का आसान हो जाता है, किसी को भी आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते। ई पंचायत, उसी में देखेंगे पंचायत का नाम भी रहता है, पंचायत की वेबसाइट नहीं रहती, पंचायत का नाम रहेगा, ब्लॉक का नाम रहेगा, कौन से ब्लॉक में क्या है, सब चीजें आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, फसल बीमा। फसल बीमा एक ऐसा है, फसल बीमा की टेक्निक जो है कैसे यूज की जाती है, देखो अभी अभी रबी क्रॉप है, दो चार दिनों से देख रहे हैं बारिश हो रही थी, ओले भी गिरे, इसमें मान लो आपका नुकसान हुआ है, तो आप क्या करोगे, जब फसल लगाने से पहले आप अपनी फसल का क्या करोगे, इंश्योरेंस कर लिए, फसल बीमा कर लिए, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम में। यदि ओला वृष्टि हुई, यदि सूखा पड़ा, यदि बाढ़ आया, तो आपके पर एकड़ के पीछे जितनी क्षतिपूर्ति हुई है, जितना नुकसान हुआ है, उसके एवज में आपको क्या करेगी, वो बीमा कंपनी आपको पैसे पे करेगी। आप कहेंगे ये तो फर्जी डेटा भी हम दे सकते हैं कि मेरा फसल अच्छा हुआ, अच्छा काटा हूं, फिर भी क्या है, लाइक मैं क्लेम कर सकता हूं कि मेरा फसल खराब हुआ है, अगर मैं नीचे लेवल वाले को अधिकारी को लाइक पैसे खिला दूं तो आसानी से पता लगाया जा सकता है, ऐसा सोचोगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, सैटेलाइट मैपिंग होती है, ठीक है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से मैपिंग होती है, वो अलग बात है कि वो रिमोट सेंसिंग को लाइक मैपिंग करने वाला अधिकारी ही निष्क्रिय रहे, अलग बात है, अदरवाइज हर चीजों का मैपिंग किया जा सकता है, ठीक है, हर चीजों का मैपिंग किया जा सकता है। वहां पे देखेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही तो देखना है उसको, रिफ्लेक्शन कितना हो रहा वही देखना है, फसल होगा तो अलग फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी, और नहीं होगा, खाली जगह होगा, बाढ़ होगा तो अलग होगा, लाइक डेजर्ट होगा तो लाइक सूखा होगा तो अलग होगा, आसानी से उसमें मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फसल बीमा वाली चीजें हैं जिसके कारण जो है किसानों को उनकी फसल का लाइक बिना कोई रिस्क के उसको फायदा हो रहा है, ठीक। चले टीडीएस, इस सिस्टम को थोड़ा आपको समझना है, इसको तो शुरुआत शुरुआत में लिखा करें आप, कोविन हो गया, पीडीएस हो गया, है ना, इस टाइप की चीजों को, डीबीटी हो गया, शुरुआत शुरुआत में आपको लिखना है, आधार वगैरह हो गया। देखो पीडीएस क्या है, ये मान लो एफसीआई का गोदाम है, फॉर एग्जाम्पल रायपुर में, रायपुर में एफसीआई का गोदाम है, और रायपुर से इस लाइक चीजों को पहुंचाना है मुझे कहां तक, मुझे पहुंचाना है सुकमा कोंटा दंतेवाड़ा तक पहुंचाना है, चले लिख लेते हैं रायपुर। अब रायपुर से क्या है, मान लो 10 ट्रक रवाना हुए, 5-10 ट्रक रवाना हुए, कि 3 जिलों के लिए, दंतेवाड़ा के लिए, सुकमा के लिए, और चलो बीजापुर के लिए, नारायणपुर के लिए भी, मान लो 4 बस्तर के डिस्ट्रिक्ट में, आप कह रहे हो कि 4 डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे एक्स, यहां पे बस्तर, यहां पे सुकमा, यहां पे दंतेवाड़ा, यहां पे आपका बीजापुर, ठीक है, या नारायणपुर, कुल मिला के इतने जिलों में आपको क्या करना है, इस ड्रस ट्रक को पहुंचाना है। इस ट्रक में क्या है भाई, पीडीएस में क्या बेचा जाता है, क्या दिया जाता है, चावल, चावल, गेहूं, केरोसिन ऑयल, सुगर, है ना, ये सब चीजें दी जाती है, नमक दी जाती है। अब ये ट्रक में देख रहे हैं कितने ट्रक हैं, 10 ट्रक हैं। अब यहां से जाने के बीच में जगदलपुर पड़ेगा, बीच में कांकेर पड़ेगा, बीच में और भी कोई कोई जगह पड़ेगी भाई। अब मान लो इस 10 ड्राइवर को किसी ने सेटिंग कर रखा है कि भाई थोड़ा सामान क्या है मेरे यहां अनलोड कर देना, कोई एक एंटी सोशल व्यक्ति मान लो यहां बैठा हुआ है, वो कह देता कि सब ट्रक को क्या करना, इधर से होते हुए इधर निकालना, सबको थोड़ा थोड़ा सामान हम क्या करेंगे, अनलोड कर लेंगे, और फिर उससे जाना, उसको उतना अंदर कौन देखने को जा रहा है, वो तो नक्सल वाला जोन है, उतने एरिया में कौन किसको चेक करेगा, नहीं करेगा, तो कुल मिलाकर लीकेज हो गया कि नहीं, लीकेज बहुत भारी भरकम होता था, छोटी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि ना आप इसे जानते हैं, ना इस व्यापारी को या इस जो एंटी सोशल व्यक्ति को जानते हैं, ना ही रूरल बेल्ट पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, आप रूट लेवल पे चेक करने जा पा सकते हैं, बस ऊपर से क्या ऑर्डर कर सकते हैं, चीजों को थोड़ा सा डरा धमका सकते हैं, या थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि इसे एग्जीक्यूट करना है। अल्टीमेटली तो एग्जीक्यूशन के दौरान इतने लूपहोल्स मिलेंगे, और पता चला मान लो यहां पहुंच भी गया तो यहां पे डमी व्यक्ति बना देंगे, 1000 लोग, 500 लोग, 200 लोग, और उनके नाम से रिलीज कर लेंगे, उसे भेज देंगे कहीं पे,
तो छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बना, इस सब लूप होल को दूर कर दिया एक सेकंड में। कैसे? उसने क्या कर दिया, उसमें जीपीएस लगा दिया। जीपीएस लगा दिया मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा दिया। अब उसमें जीपीएस लगाने पर होगा क्या, अब वो रूट जहां जहां पर जाएगा, कितने बजे कब गया, किस समय गया, कहां खाना खाया, कहां रुका, किस जगह पे क्या हुआ, एक एक चीजें उनका क्या है आसानी से ट्रैक कर सकते हो उसमें जीपीएस से। जीपीएस लोकेशन के आधार पर क्रिमिनल को पुलिस पकड़ती है ना, तो वैसे ही क्या है, जीपीएस इनेबल होने पर क्या है, अब पीडीएस बिल्कुल टाइम टू टाइम और ट्रैक पे जाने लगा। अब कहेंगे उसका सामान को कोई अनलोड करेगा भी तो वहां पे जवाब दे ही रहेगी, वहां क्यों रुके थे, अब दो चार मिनट या आधा घंटा रुका कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहे कि आप दो घंटे तक क्यों रुके रहे, जवाब देना पड़ेगा। दूसरा रीजन याद रखना, जब इसको क्या करेंगे ट्रक में लोड करेंगे तो धर्म कांटे से क्या उसका वेइंग करेंगे, वजन करेंगे, और वजन करने के बाद उसमें सील ठप्पा लगेगा, और वो जो वजन किया हुआ जो डेटा होगा वही डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इनको दिया जाएगा और यहां तक भेज दिया जाएगा, हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी भी। अब यहां पे जो होगा रिस्पॉन्सिबल, आप उस जिले के मान लो तहसीलदार हैं, आप उस जिले के मान लो एसडीएम हैं उस एरिया के, तो उस प्रकार आप जब देखेंगे तो वो सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर वे में आई है। उसके बाद आ जाता है कि यहां से यहां तक लीकेज तो खत्म, लेकिन एक चैलेंज बचा हुआ है भाई, यहां पे डमी व्यक्ति रख सकते हैं कोई भी, तो डमी व्यक्ति भी नहीं रख सकते क्योंकि वो बायोमेट्रिक वाला है। अगर नाम का, अगर तीन लोग नाम है एक्स वाई जेड नाम के तीन लोग आ गए, तीनों के मान लो देखते हैं कि वीकर सेक्शन है, उनको पीडीएस दिया जाना है, तो वो वीकर सेक्शन के होने के बावजूद, उनका आइडेंटिटी होने के बावजूद, हर गांव का व्यक्ति है आप पहले से जानते हैं, उसके बावजूद आपको हर बार क्या है इसे लेने के लिए, पीडीएस लेने के लिए आपको आधार कार्ड में बायोमेट्रिक में पंच करना पड़ेगा, मतलब लीकेज की समस्या ही खत्म, क्योंकि आप वो मिसमैच करेगा तो एंट्री ही नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा तो उसको पीडीएस ही नहीं दे सकोगे। तो इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक लीकेज की कोई संभावना ही नहीं है, दैट्स वाई छत्तीसगढ़ का पीडीएस राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत है, एक बार नहीं कई बार किया गया है, और इसी पीडीएस को भारत के अलग अलग राज्यों के द्वारा अपनाया गया है। इसके बारे में जानते थे, ठीक है, जीपीएस इनेबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लस बायोमेट्रिक, कहीं पे कोई लूप होल का समस्या ही नहीं। आप भी जब करेंगे ना, आप जब एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या आप तहसीलदार आएंगे, अपने निचले लोगों को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए कहोगे, चाहे आंगनबाड़ी का माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए वहां पे लाइक न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए कहोगे, तो वहां पे भी यही सब चीजें आएंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू भी तो आपको वहीं से आएगी, पीडीएस से आएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखना है, तो पीडीएस को शुरुआत में लिखना और सबसे पहले लिखना कि ये क्या है, भारत के लिए भारत का सबसे एक्सेप्टेड पीडीएस मॉडल है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ओवरऑल जिसकी मैं बात कर रहा था है ना, ग्रामीण भारत में आईटी के क्या अनुप्रयोग, तो ग्रामीण भारत में जितनी भी स्कीम चलती है उसे लिख सकते हो, है ना। अगर बैंकिंग सेक्टर में कहेंगे तो पूरा बैंक आपके मोबाइल जेब में है कि नहीं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंकिंग हो या प्राइवेट बैंक हो, सब आपके बैंकिंग सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में भी पूरा चीज इसी प्रकार लिख सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड सभी आईआईटीज, सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, सभी क्या है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपस में इंटीग्रेटेड है, किसी भी जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर में आप पूरे स्कूल भी क्या है आसानी से है कनेक्टेड है। देखो स्कूल्स में पंचायत, स्कूल्स में एक चीज चैलेंज है बता रहा हूं, स्कूल्स में क्या होता है, जैसे कि टीचर्स वहां गए, रूरल एरिया में ही स्कूल्स हैं, वहां पे लाइक स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आए दिन शिकायत देखने को मिलता है, उनमें बायोमेट्रिक कर दिया गया कि इतने बजे जाना है, वो आपको इतने बजे आना है। कुछ लोग उसमें भी लोग फूल निकाल देते थे, सुबह जाके थम लगा के आ जाते थे, शाम को फिर एक बार जाते थे, ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल ही जाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, बीच में क्या है रेडियो के द्वारा कुछ पढ़ाई हुआ करता था, रेडियो के द्वारा, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा या छत्तीसगढ़ में रायपुर दूरदर्शन के द्वारा, तो ये सब चीजें मैटर करती है आपके लिए। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, ई गवर्नेंस, कृषि सेवा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजों को भी अच्छे से आपको लिखना है, जैसे किसी जगह बाढ़ आया, सूखा आया, कितना एरिया अफेक्टेड है,
अभी देखो इसरो किसी भी एरिया का क्या है, तुरंत मैपिंग करके वो इमेज प्रोवाइड कर देती है। अभी इधर क्या है, भूस्खलन वाला प्रॉब्लम आया ना उत्तराखंड वाला, जोशीमठ वाला एरिया में, तो उस एरिया में देखना इसरो तुरंत क्या किया था, पब्लिक कर दिया था एक चीज को, एक इमेज को, रिमोट सेंसिंग के डेटा को, कि कितने एरिया में इस प्रकार की लाइक भूस्खलन वाली प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइडिंग वाली, और वहां पे क्या पूरे पूरे एरिया को खाली करना पड़ रहा है या उस समथिंग जो भी है। तो ये सब चीजें देखेंगे जीआईएस की मदद से, प्रधानमंत्री आवास योजना। ज्योग्राफिकल आइडेंटिकल सिस्टम में क्या होता है, मान लो एक कोई एरिया है, इसमें इस जगह घर बनाया जाना है, इस तीन जगह पे घर बनाया जाना है, लेकिन चौथा वाला व्यक्ति क्या कहता है, चौथा व्यक्ति कहता है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति कहता है कि मैं यहां पे भी बनाऊंगा, यहां पे बनाऊंगा, जबकि ये इल्लीगल है। तो ये व्यक्ति का घर क्यों बनाया जाएगा, उसका आधार कार्ड लिया गया होगा, आधार कार्ड के हिसाब से उसका आइडेंटिटी पता चला, उसका बायोमेट्रिक पता चला, बायोमेट्रिक पता चला तो वो सब तो पैन वैन सबसे कनेक्टेड है, मतलब वो ये पता चलेगा वो बीपीएल कार्ड होल्डर है या कमजोर व्यक्ति है, वीकर सेक्शन है, इन तीन दोनों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी मिली, लेकिन इनका फर्जी डेटा मान लो ऐड किया गया। तो जब ऐड करेंगे ना तो उनका आधार देखते हैं, आधार पैन से, पैन किससे, अकाउंट से, अकाउंट क्या आपस में कनेक्टेड है, तो उसका तो पूरा दिखेगा ब्यौरा कि ये तो वीकर सेक्शन है ही नहीं है, बीपीएल कार्ड होल्डर है ही नहीं, चलो उसको भी ऐसे तैसे करके किसी के नाम से कर दिया है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है, जिस जगह घर बनाया जाना है उसका वो भूमि स्वामी होगा, भूमि स्वामी कहने का मतलब उसी का मालिक वही होगा उस जमीन का, जिसका घर जहां पर है, इसका घर यहां पर था, इसका घर यहां पर था, अभी बना नहीं है घर, अभी तो क्या है कच्चा मकान है, तभी तो वहां पे अटल आवास योजना का घर बनना है। तो तीनों का लोकेशन मालूम हो गया कि नहीं, जब ये व्यक्ति क्या करेगा, इस जगह पे घर बनाना चाहेगा तो उसका कोई ना कोई भूमि स्वामी निकलेगा, कोई ना कोई ऐसा उसका मालिक निकलेगा कि नहीं। अब इस जगह की लोकेशन को जैसे ही क्या है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिकल सिस्टम मतलब उसकी लोकेशन को वो क्या करेंगे, पिन करेंगे ना, तो देखिएगा इसका मालिक तो वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति प्रभावशाली है, वो तो इतना पैसे वाला है, पूरा ब्यौरा उसका निकल आएगा, क्योंकि रजिस्ट्री कागज आपके आधार से जुड़ा है, आधार आपके पेन से, पेन आपके अकाउंट से जुड़ा है, मतलब समझ में आया। तो जीआईएस सिस्टम पिन करना उसी जगह पे जिस जगह घर बनना है, और सैटेलाइट से उसको क्या की जाती है, नीचे फोकस की जाती है, तभी तो पिन करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर अलग है। आपने एक, एक, एक मैं बताना भूला था, बाद में उसे बता दूंगा अभी, भुवन, भुवन का नाम जानते हैं, किसी भी जगह पे 3D डायग्राम प्रोवाइड करता है, इसरो के द्वारा इनिशिएटेड एक है, एक लाइक कहना चाहिए एक सॉफ्टवेयर है ना, जो इंटरनेट से सैटेलाइट से चलती है, भुवन 3D इमेज, किसी भी जगह का 3D इमेज वो बना के दे सकता है आपको। तो भुवन जैसे पोर्टल या भुवन जैसे सॉफ्टवेयर यूज करके इस जगह पर आसानी से मैपिंग की जा सकती है। सो ये इस टॉपिक में आप इसी प्रकार के कंटेंट देखेंगे, दैनिक जीवन में आईटी के क्या उपयोग है, शिक्षा, बैंकिंग, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च में, ई कॉमर्स में, बहुत सारी चीजें मैंने स्किप भी किया हुआ है, जैसे ई कॉमर्स आपको पता है, ई कॉमर्स सब चीजें कैसे बदल गया है आपका शॉपिंग का तरीका, जिसके कारण आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलर लाइफ में आईटी का प्रयोग है ना, ठीक है, ये सब चीजों को आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने शुरुआत में जो चीज कही थी बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रही है, इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। तो आप क्या करना, बुनियादी सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, क्योंकि सड़क भी बहुत मैटर करता है, सड़क से बनने वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना, ये सब चीजें मैटर करती है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उसके साथ आपका जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, गवर्नमेंट स्कीम का एग्जीक्यूशन, और गवर्नमेंट में केंद्र और राज्य सरकार की अच्छी अच्छी स्कीम्स को, ठीक है, कोई भी अच्छी स्कीम, देखो धरातल पे कितना रिजल्ट मिला वो अलग मैटर है, वो एनालिसिस और रिव्यू वाला मैटर है, मेन आईटी क्या कर रहा है लोगों के लिए ये हमको बताना है, ठीक है, इस चीज को देखना। देखो उज्ज्वला जैसे योजना, उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं एलपीजी के रेट बढ़ने के कारण थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन हम देखते क्या है कि आप उस स्कीम को लिखने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी ऐसी स्कीम
जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की हो आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा आंसर कुछ भी लिखेंगे आपको टेक्नोलॉजी के अपने दायरे में लिखेंगे, वो वाला आंसर नहीं लिखना ऐसे राइटिंग वाला। टेक्नोलॉजी किस प्रकार फायदा पहुंचाया, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी आने पर हमने देखा कि एक वर्चुअल मंडी क्रिएट हुआ। वर्चुअल मंडी में किसान उस में किसी भी जगह का फोटो अपलोड, किसी भी प्रोडक्ट का फोटो अपलोड करके उस प्रोडक्ट को भारत की किसी भी जगह पे बेच सकता है। तो आप टेक्नोलॉजी का उपयोग वहां पे बताएंगे, ना कि वहां पे कुछ और चीजें लिखेंगे। तो सबका ये 175 वर्ड होता है, तो थोड़ा इस प्रकार लिखें, अच्छी अच्छी चीजों को आप वहां पे ऑर्गेनाइज कर लें। आप छत्तीसगढ़ जीएस में देखेंगे कुछ अच्छी स्कीम्स हैं, इंडिया जीएस में देखेंगे कुछ अच्छी स्कीम्स हैं, इकोनॉमी में आपको दिख जाएगा, तो उसको यहाँ पे इंटीग्रेटेड करेंगे और सब चीजें तो कनेक्टेड है आपके आईसीटी से, चीजें समझ में आई। तो ये आईसीटी का प्रयोग है, किसी भी प्रकार का पूछेगा उसी डायमेंशन में आपको लिखना आंसर, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने पहले ही बता रखा था, समझाने वाला कोई है ही नहीं इसमें, सिर्फ चीजों को डिस्कस करना था, लेकिन ऐसे ही बोल देते पीडीएफ दे देते तो आप चीजों मिस्टेक कर लेते, नंबर उतना नहीं मिलता, 15 नंबर में 8-7-8 नंबर मिलता आपको। तो व्यवस्थित करके लिखना है और टेक्नोलॉजी के दायरे में लिखना, ठीक है। Thank you.